दोस्तों, मैं नरेश यादव घर मनमोहन पोस्ट कमलपुर थाना बासावट्टी जिला मधुबनी का निवासी हूँ। मैं तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अंगेरी पालिया में रहता हूँ। यहाँ पर सभी हमारे दोस्त मजदूर लोग भी हैं। जो भी मजदूर लोग हैं, किसी के रूम में खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो मिला था एक महीना से, जो भी था हमारे पास, जो भी दोस्तों यार के पास जितना भी पैसा था, खा पी गए और बराबर कर लिए। अतः माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि हम लोग को घर भेजने के लिए उपाय कीजिए। जिस तरह माननीय योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार सारे स्टेट से, सारे राज्य से अपने मजदूरों को बुलाने की जो इच्छा जागरूकता की है, उसी तरह हमारा भी सरकार से मैं भरोसा करता हूं कि उसी तरह कदम उठाए। नहीं तो हमारे दोस्त लोग जो भी है सो भूखे आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि भूखे कितना दिन रह जाएगा। बिल्कुल सही है। इसलिए जो भी हमारे दोस्त लोग है, इनसे पूछिए, भाई आपको क्या दिक्कत है, बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए। कंपनी से खाने के लिए दिक्कत है, एक महीना से दिक्कत है। कंपनी में काम करते पैसा ऐसा नहीं देता है, नहीं। आप क्या इच्छा जताने चाहते अपने बिहार गवर्नमेंट से, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। बोल खराब हो घर पहुंचा दे, ठीक रहेगा। देखिए इन भाई साहब आपको क्या इच्छा है, बोलिए। जो दिक्कत है सब लोग का यही चाहिए। यहाँ पर हर व्यवस्था सब मजबूर हो गए हैं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है। व्यवस्था और कुछ चाहिए भी नहीं, चाहिए तो बस सिर्फ हमको जाने का व्यवस्था मिल जाए, जाने का व्यवस्था, जाने की व्यवस्था कर दीजिए। हम लोग बहुत खुशी से चला जाएंगे, घर पर आएंगे, भूखा सोएंगे, कुछ खाएंगे, अच्छा है। क्योंकि इस तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने पांच डिस्ट्रिक्ट को हाई अलर्ट कर दिया। उसमें चेन्नई एक, कैंतूर एक, गोवी एक, मदुरई एक और तिरुपुर। हाई अलर्ट में तिरुपुर आ गया। जिस जगह मैं रहता हूँ उससे मात्र 700 मीटर दूरी पर कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इस तरह हम लोग को काफी दिक्कतें आ रही है मजदूर लोगों को, हम लोग क्या करें। बड़े बड़े हस्तियों को कोरोना वायरस हुआ है तो उन लोग फैला रहा है, हम लोग मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं लाइव पर, ठीक है, बोलिए अपना। बोलते रहिए, लाइव चल रहा है, बोलो। मैं बिहार के माननीय श्री नीतीश कुमार जी से अति अनुरोध करना चाहता हूँ कि शेयर करते चले आगे, शीघ्र ही हम लोग का व्यवस्था किया जाए घर बुलाने का। नहीं तो यहाँ कोरोना संक्रमित हो जाएंगे और हम लोग संक्रमित से मर भी सकते हैं और बहुत भुखमरी भी है यहाँ पे। अरे हो सकता है कोरोना से पहले भुखमरी से ही मर जाए, भुखमरी से भी मर जाए, भुखमरी से पहले मर जाए। क्योंकि गवर्नमेंट कोई हिंदी वाला को एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ ओनली फॉर तमिल वाला के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। अरे जिस तरफ से योगी नाथ, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री योगी नाथ है, जो अपने मजदूर को निकालने के लिए हर टाइम बस भेजे, एमपी से शिवराज चौहान भी अपने बस भेज दिए हैं, उसी तरह हम भी अपना बिहार गवर्नमेंट नीतीश सरकार से आग्रह करते हैं। वो भी टेक्स स्टेट का मुख्यमंत्री हो, जब अपना मजदूर को बुला सकते हैं, क्यों नहीं बुला सकते, क्या दिक्कत है। मैं इनसे आग्रह करता हूँ, ताकि जैसे बहुत स्टेट बुला रहा है, हमको भी अपना स्टेट जाना चाहता हूँ। मरेंगे तो अपना धरती पर मरेंगे, जियेंगे तो अपना धरती पर मरेंगे। मेरा बाल बच्चा वहाँ पर रो रहा है, मैं यहाँ पर रो रहा हूँ। जो भी तरमानु गवर्नमेंट से हमको राशन दिवाया जा रहा है, तो ओनली चावल और दाल दे रहा है और तेल दे रहा है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ। दाल तेल से क्या, मेरा आटा नहीं मिल रहा है, मेरा किसी भाई को बीमारी हो रहा है, किसी भाई को घर पे माँ मर गया, उसमें नहीं पहुँच पाया। इसलिए मैं नीति जी से आग्रह करता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश का सरकार किया, एमपी का सरकार, उस तरह मेरा भी आपसे आग्रह है। जो मैं आपका प्रतिनिधि, आप मेरा प्रतिनिधि, मैं आपका सेवक हूँ, आप हमें बुलाइए, जिस रूप में बुलाना बुलाइए। जो अभी बॉम्बे सरकार भी बोला है, जब मैं अपना उत्तर पूर्वांचल को जितना भी अपना यहाँ स्टेट से बुला ले, वो फ्री दे रहा हूँ। आप जो भी बन सके हम लोग के साथ व्यवस्था कीजिए, ताकि मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं आपसे अति पूरा अनुरोध करता हूँ कि हम लोग का कृपया ध्यान दीजिए। जैसे अगर स्टेट कर रहा हूँ, हम लोग साथ कीजिए। हम लोग तमिलनाडु सरकार बोलता है तुम्हारा स्टेट से बात करो, हम लोग कितना बार आप लोगों से बात करें, आपका निधि का बात करते तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है।
रविशंकर जी के फोन की तो उसका स्विच ऑफ बता रहा है। ओनली वन एक पप्पू यादव है जो 24 आवर्स का रिसीव कर रहा है, बाकी कोई का रिसीव नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार का जितना नंबर मिला बोलता है स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। जिसका रविशंकर प्रसाद का फोन क्या बोलता है स्विच ऑफ है। आप केंद्र बोलता है जो पालन करो, हमने इतना नहीं पालन, कितना नहीं पालन करे। ये भी बोलिए ना, जब पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, पप्पू यादव बोले जब मैं अपना कोटा से 150 बस दे रहा था, जब आपको पैसा नहीं तो पप्पू यादव से हेल्प लीजिए, नहीं तो आप अपने आप बस भेजिए हम लोग मंगाने के लिए। पप्पू यादव से आप आग्रह कीजिए, आदेश दीजिए, तो आदेश करवा दीजिए, परमिशन दवा दीजिए गवर्नमेंट के यहाँ से। हम लोग बीके मांग के चंदे मांग के जैसे जाएंगे, लेकिन कुछ तो कीजिए आप लोग। आप लोग करते हैं ना, करने देते हैं। जब हम बोलते तो पुलिस बोलता है रजिस्टर से बात करो, तुम रजिस्टर परमिशन देगा तो हम लोग कोई दिक्कत हम भिजवा दूंगा। यह आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ नीतीश जी, जहाँ भी हो हम लोग का कृपया ध्यान दीजिए और आग्रह कीजिए बिहार में पहुँचा दे। मैं अपने बाल बच्चा के साथ रहना चाहता हूँ, मेरा वहाँ पर बच्चे रो रहा है, मैं यहाँ पर रो रहा हूँ। इससे अच्छा अगर मरेंगे तो करुणा से अपना धरती पर ही मरेंगे, ताकि कोई मेरा माँ बाप तो फेंक पा सकता है। यहाँ मरेंगे तो बल्लावारिस लाश में डलवा रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरा ध्यान दीजिए। जो भी भाई को दिक्कत हो बोल सकते हो, आप भी बोले, कोई भी जिसको बोलना है बोल सकते हैं। जैसे सूरत में गुजरात सरकार ने परमिट बनाया है कि डीएम से आप लोग कंसल्ट करके जो भी मजदूर है अपना रिजर्व करके जा सकते, वो भी परमिशन आप करवा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु का सरकार कोई एक्सेप्ट नहीं लेता। यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है 5 डिस्ट्रिक्ट को, उस डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मैं रहता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट भी आता है तिरुपुर शहर, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ गया कोरोना का 160, और मेरे रूम के बगल में मात्र 800 मीटर दूरी पे बताइए वहाँ पे कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, उससे हम कैसे बचेंगे। बाजार जाने के लिए स्थल से मेरा हाई अलर्ट कर दिया, फुल कारफुल लगा दिया है, उसमें हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। हम लोग अति शीघ्र हम लोग को व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम लोग भूखे यहाँ पे जान दे देंगे। नहीं तो 3 तारीख को सारे मजदूर लोग, जो भी हमारे पास जितने मजदूर दोस्त है, सारे लोग पैदल चलेंगे। कोटा बता दे कितना है हम लोग यहाँ, जो भी व्यक्ति है सारे लोग पैदल हम लोग चलेंगे, जो हो जाए पैदल चलेंगे। अब बता सकते, चलिए ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास दिक्कत थी वो तो आप सुन ही लिए और देख ही लिए। अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।